हमने एक क्वेश्चन दिया था, डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. दैट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन इज सेड टू बी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. यानी जब भी आप किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इस टाइप की डिफरेंशिएशन को कहते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. क्या तरीका है कार होगा? पढ़ें क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ब्रैकेट क्या करते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय थीटा माइनस साइन थीटा कॉमा y इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2. क्या फाइंड करना है सर? फाइंड करना है dy बाय dx. वी हैव टू फाइंड dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो पहले तो आप dy बाय dx फाइंड करें. इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इसमें x गिवन है और x डिपेंड कर रहा है थीटा पे. इसका मतलब इक्वेशन 1 से आप dx अपॉन d थीटा फाइंड कर सकते हैं. इक्वेशन नंबर 2 में y गिवन है, y डिपेंड कर रहा है थीटा पे. इसका मतलब इक्वेशन 2 से आप फाइंड कर सकते हैं dy अपॉन d थीटा. तो differentiate with respect to theta, ये हो जाएगा d upon d theta of x is equal to d upon d theta of a multiplied by theta minus sin theta. So dx upon d theta is equal to a is constant taken outside d upon d theta of theta minus sin theta. So dx upon d theta is equal to a multiplied by d upon d theta of theta minus d upon d theta of sin theta. Now dx divided by d theta is equal to a multiplied by 1 minus cos theta. ये वैल्यू हो गई dx upon d theta. आपको फाइंड तो ये नहीं करना था, मगर इक्वेशन 1 से फाइंड ही सिर्फ यही किया जा सकता था. आपको x और थीटा गिवन थे, x डिपेंड कर रहा है थीटा पे. इसका मतलब थीटा इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल. आप हमेशा विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट करते हैं. आपने dx अपॉन d थीटा फाइंड कर लिया. नाउ कंसीडर इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos थीटा. Differentiate with respect to theta. So d upon d theta of y is equal to d upon d theta of a multiplied by 1 minus cos theta. So dy upon d theta is equal to a is constant taken outside d upon d theta of 1 minus cos theta. So dy upon d theta is equal to a multiplied by d upon d theta of 1 minus d upon d theta of cos theta. Now it is equal to dy upon d theta equals to a multiplied by derivative of 1 is 0, derivative of cos theta it is minus sin theta. dy divided by d theta is equal to 0 plus sin theta is sin theta. A मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा. आपको dy अपॉन d थीटा फाइंड ही करना था, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड ही सिर्फ यही किया जा सकता था, इसलिए आपने ये फाइंड कर लिया. अब असल सवाल पे आइए. असल सवाल है वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx. थोड़ा सा अगर गौर करें तो dy upon dx के लिए dy upon d theta और dx upon d theta ये दोनों आपकी हेल्प कर सकते हैं.
we can write dy upon d theta whole divided by dx upon d theta. Dy upon d theta is known, it is equal to a multiplied by sine theta. Dx upon d theta, it is a multiplied by 1 minus cos theta. A cancel ho gaya. Sine theta divided by 1 minus cos theta. It is the value of dy by dx. Now dy by dx at theta is equal to, yes, pi upon 2. क्योंकि आपसे कहा गया फाइंड dy by dx at theta is pi by 2, तो यहां तक पहुंचने के बाद theta की वैल्यू pi by 2 पुट कर दें, तो sin pi by 2 divided by 1 minus cos pi by 2. Sin pi by 2 is 1, cos pi by 2 is 0, तो 1 upon 1 it is equal to 1. It is dy by dx at theta is equal to pi by 2. क्या खास बात है ये, अब आप खुद गौर कीजिएगा. जब हम कहते हैं find dy by dx, इसका मतलब हम इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन. यही चीज हमने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. तो आप कोई से भी नाम देके दोनों को विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट करके दोनों के कॉम्बिनेशन से जो डेरिवेटिव आपसे पूछा गया है वो फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं. इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे ही सवाल आते हैं. फिर भी एक दो सवाल और देख लें. यस सर. क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू ln t प्लस sin t कॉमा y is equals to e power t plus cos t. Find dy by dx. Again, we have to find dy by dx with the help of these two equations. First equation, इसमें x है. आप यहाँ से dx upon dt find कर सकते हैं. Second equation में y है. चूंकि y depend कर रहा है t पे, इसका मतलब इसमें dy upon dt find किया जा सकता है. तो dx upon dt और dy upon dt को यूज करते हुए आप dy upon dx find कर सकते हैं. तो consider equation number 1, x is equal to ln t plus sin t. Differentiate both the sides with respect to t. ये हो जाएगा d upon d t of x is equal to d upon dt of ln t plus sin t. So dx divided by dt, dx divided by dt is equal to d upon dt of ln t plus d upon dt of sin t. Some are difference used here. Derivative of ln t is 1 upon t. Derivative of sin t is cos t. It is equal to 1 plus t into cos t by taking LCM. Ye result ho gaya dx upon dt ka. Now consider equation number 2. Equation number 2 is y is equal to e power t plus cos t. Y depend kar raha hai t pe. Iska matlab y is dependent variable. T is independent variable. We always differentiate with respect to independent variable. So differentiate with respect to t. So we write d upon dt of y is equal to d upon dt of e raised to the power t plus cos t. Now dy divided by dt is equal to derivative of e power t plus derivative of cos t. So dy divided by dt is equal to derivative of e power t is same e power t plus derivative of cos t is minus sin t. So dy divided by dt is equal to e power t minus sin t.
आपको dx अपॉन dt dy अपॉन dt दोनों मालूम हो गए। अब dy अपॉन dx फाइंड किया जा सकता है। dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। अगर फर्ज करें हम कहते हैं फाइंड dx अपॉन dy, इसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस तो यूज नहीं होती। अगर dx अपॉन dy पूछा जाता तो dx अपॉन dt होल डिवाइडेड बाय dy अपॉन dt इट गिव्स अस dx अपॉन dt। अब ये दोनों रिजल्ट्स मालूम है। dy अपॉन dt इट इज इक्वल टू e पावर t माइनस sin t, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 प्लस t इनटू cos t डिवाइडेड बाय t। इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू t मल्टीप्लाइड बाय e पावर t माइनस sin t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t इनटू cos t। इट इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ dy by dx. Next question number 7. P of x is equals to P of x. Question number 5 के बाद 7 है। सर आपने 7 पढ़ने का कहा था। अबे भाई 6 कहा है तुम्हें, सुन तो लिया कर। सॉरी तुम भी बिल्कुल ही हाफिज जी होते जा रहे हो। टेस्ट लगता है अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्यों बाकी बाकी बातें कर। क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल्स टू साइन टी क्यूब प्लस कॉस टी क्यूब कॉमा y इज इक्वल्स टू साइन टी प्लस टू कॉस इनवर्स टी, फाइंड dy बाय dx। We have to find again dy by dx. Consider equation number 1. X is equal to sin t power 3 plus cos t power 3. Differentiate with respect to t. We write d upon dt of x is equal to d upon dt of sin t cube plus cos t cube. dx upon dt is equal to d upon dt of sin t cube plus d upon dt of cos t cube. ठीक हो, टेंशन में तो नहीं हो। चलो फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर्मूला बता दें। डेरिवेटिव फंक्शन पावर एन इज इक्वल्स टू एन एन फंक्शन पावर एन माइनस वन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। जो हरकत इस बच्चे ने की यही हरकत करेगी। इसका मतलब वो देख ही नहीं रहे कि ये लिखा हुआ क्या। इट्स नॉट साइन क्यू टी, इट इज साइन टी क्यू। पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वन, इसका मतलब वी स्टार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तुम्हारा कसूर नहीं है बेटा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इट इज कॉस विद सेम एंगल इन टू डेरिवेटिव ऑफ एंगल plus derivative of cos it is minus sine with same angle into derivative of angle। आपको शायद याद हो पावर को डिफरेंशिएट करते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और फिर एंगल को। तो यहाँ पावर तो वन है, अब फिर भी फंक्शन पावर एन लगा ले, ग्रेट। इसका मतलब आप असल में साइन क्यूब टी लगा के बैठे हो। ये अकेला नहीं है, मेजॉरिटी यही काम करती है जो ये मासूम बच्चा कर रहा है।
मासूम तो है कि नहीं है, कि बहरहाल cos cos t क्यू मल्टीप्लाइड बाय 3t स्क्वायर माइनस sin t क्यू मल्टीप्लाइड बाय 3t स्क्वायर. 3t स्क्वायर कॉमन लें, बाकी बच गया cos t क्यू माइनस sin t क्यू, ये हो गया dx अपॉन dt. Now consider equation number 2, which is y is equal to sin t plus 2 cos inverse t. Differentiate both the sides with respect to t. We write d upon dt on both the sides. D upon dt of y is equal to d upon dt of sin t plus 2 cos inverse t. For dy upon dt is equal to d upon dt of sin t plus d upon dt of 2 cos inverse t. बेटा ये दरवाजा बंद कर. सवा तीन की आवाज जो है वैसे तो दरवाजे के अंदर से भी पास हो सकती है, सही सही बंद कर. कुछ तो फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. लाउडनेस भी ज्यादा होता है, टाइम पीरियड तो डेफिनेटली कम होगा. नहीं यस सर, चुप्पी है कहानी. तुम्हें कुछ कराने की जरूरत नहीं, तुम्हारी की तो वैसे ही आवाज, बच्चों की आवाज और खवातीन की आवाज तकरीबन एक जैसी. dy upon dt is equal to derivative of sin cos t. आगे भी बता दो derivative of t. सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला आप बताए. derivative of first function into second function is equals to first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. तो यहाँ first function क्या है? x. x है. अच्छा. और second function? cos. cos. अच्छा. यार तुम बेटा कहाँ, तुम्हारा डांटने का भी आज दिल नहीं चाहता, तुम्हारा मारने का दिल चाहता. किधर से एक्स ले आ रहा है? और भाई ये 2 cos inverse t लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, लगाए जा रहे हो फॉर्मूला पर फॉर्मूला. हर चीज का जो है ना एंड तुम यही निकालते हो, सर मुझे नजर नहीं आ रहा लिहाजा मैं गलत हूँ. Derivative of sin t is cos t plus 2 into derivative of cos inverse t. So dy by dt is equal to cos t plus 2 into 1 divided minus 1 divided by square root of 1 minus t square. dy upon dt is equal to square root of 1 minus t square is the LCM. ये हो जाएगा cos t into square root of 1 minus t square minus 2. ये हो गया dy upon dt. We have to find dy by dx. It is equal to dy upon dt all divided by dx upon dt. dy upon dt is equal to
square root of 1 minus t square into cos t minus 2 divided by square root of 1 minus t square all divided by dx upon dt, and dx upon dt is 3t square multiplied by cos t power 3 minus sin t power 3. अब इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1, इसे भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू कॉस टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 टी स्क्वायर इनटू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू कॉस टी पावर 3 माइनस साइन टी पावर 3. It is the most simplified form of dy by dx. Question number 1 से लेके question number 6 तक ये है parametric differentiation. तीन मैंने करा दिए, बाकी तीन आप try कीजिएगा, हो सकता है करने में कामयाब हो जाए. अगर कोई सवाल ना हो तो पूछ लीजिएगा. अब एक नई कहानी सुने. फर्ज करें आपको एक फंक्शन दे रखा है y is equal to 2x minus 1 divided by root x. मैं आपसे कहता हूं कि इसे डिफरेंशिएट करें, तो हमने स्टार्ट ही यहीं से की थी डिफरेंशिएशन. y is equal to 2x upon root x minus 1 upon root x, y is equal to 2x x power minus half minus x power minus half, y is equal to 2x raised to the power half minus x power minus half. Somehow difference ki shakal ban gai. Differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of y is equal to d upon dx of 2x power half minus x power minus half. It is equal to d upon dx of 2x power half minus d upon dx of x power minus half. 2 is constant taken outside, derivative of x power half minus derivative of x power minus half. Use derivative of x power n, it is n into x power n minus 1. Yahan pe bhi n into x power n minus 1. It is equal to x raised to the power minus half plus 1 upon 2 x power minus 3 upon 2. Ye ho gaya dy by dx. Ispe maine koi nayi cheez to batai nahi. जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें सम और डिफरेंस की कहानी सुनाई गई थी, ये वही कहानी. अगर मैं कह देता इसी क्वेश्चन में फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी राइट डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x power minus half plus half x raised to the power minus 3 upon 2. D upon dx of the first derivative. It is d2 upon dx2. Bola jayega d2 upon dx2. Padha jayega second derivative. It is equal to, ab rules wahi rahenge. Derivative of sum or difference. Derivative of x power minus half plus derivative of x raised to the power half x power minus 3 upon 2. It is equal to d upon dx of x power minus half plus half is constant taken outside, derivative of x power minus 3 upon 2. It is equal to minus half x raised to the power minus half minus 1 plus half multiplied by minus 3 upon 2 x power minus 3 upon 2 minus 1. It is equal to minus half x power minus 3 upon 2 minus 3 upon 4 x raised to the power minus 5 upon 2. Ye ho gaya second derivative of the given function. Ise aap y prime keh dete hain.
इसे आप y डबल प्राइम कह सकते हैं। अगर फर्स्ट करें फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स कहें तो इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज एफ प्राइम एक्स, सेकंड डेरिवेटिव ऑब्वियसली इट इज एफ डबल प्राइम एक्स। अब अगर फर्स्ट करें मैं आपसे कह दूं फाइंड थर्ड डेरिवेटिव, तो यहां तक पहुंचने के बाद आप लिखेंगे वंस अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो हो जाएगा डी एफ ऑन डी एक्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, इट इज बेसिकली थर्ड डेरिवेटिव। यहाँ डी एफ ऑन डी एक्स इसके साथ लिखेंगे तो पहले सम और डिफरेंस, फिर कॉन्स्टेंट बाद, फिर वही एक्स रेज टू द पावर एन यूज करें। क्या कोई नई चीज हो सकती? आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7-8 एंड क्वेश्चन नंबर 9-10। 7-8 में आपसे कहा गया है फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, सम और डिफरेंस ही हो जाएगा, भाई कर लोगे। और 9-10 में आपसे कहा गया है फाइंड थर्ड डेरिवेटिव, सम और डिफरेंस ही है इसी तरह से।